बिजनौर के उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल भनेड़ा पर अभिभावकों का लगा जमावड़ा। अपने बच्चों की टीसी कटवाने की कर रहे मांग। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। विवाद होने के बाद स्कूल पर पहुंचे अधिकारी छात्र छात्राओं से कर रहे हैं वार्तालाप और ले रहे हैं उनका बयान, जिसके चलते स्कूल के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका जा रहा है। छात्र छात्राओं के अभिभावक भी गेट के बाहर गेट खुलवाने की कर रही मांग। आपको बता दें कि बिजनौर के कीरतपुर ब्लॉक में पढ़ने वाले ग्राम भनेड़ा में उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल से शिक्षिका आयशा को एक फरमान जारी करने के मामले में निलंबित किया गया था, जिसको लेकर कल स्कूल के गेट पर शिक्षिका आयशा को बहाल करने के लिए दर्जनों छात्र छात्राओं ने रो रो कर हंगामा किया था और बहाल कर स्कूल में वापसी की मांग की थी। छात्र छात्राओं ने रो रो कर कहा कि शिक्षिका आयशा को राजनीति के चलते फंसाया गया है। वह अभिभावकों का कहना है कि अगर शिक्षिका आयशा को वापस नहीं बुलाया गया तो स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवा देंगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बिजनौर में BSE ने जाँच के बाद टीचर को किया था सस्पेंड। टीचर पर है बच्चों के माथे से तिलक हटाने और धार्मिक भेदभाव का लगातार आरोप। ABSA की जांच में दोषी पाई गई थी शिक्षिका। स्कूल के बच्चे टीचर के सस्पेंड होने पर स्कूल में रोते नजर आए। टीचर के सस्पेंड होने पर बच्चे के परिजन नाराज। बच्चों के परिजनों ने कहा कि अगर टीचर स्कूल से गई तो हम अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लेंगे। सूत्रों का कहना है कि टीचर स्कूल में 18 साल से पढ़ा रही है और अभी तक उनकी एक भी शिकायत इससे पहले नहीं मिली है। इसी के चलते आज उच्च अधिकारी स्कूल पहुंचे हुए हैं। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।